मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं। उनके इस दौरे की भारत में काफी चर्चा हो रही है। अनवर अली मलेशिया के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं। उनके इस दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा में बने होने की वजह बन गया जाकिर नाइक पर पूछा गया एक सवाल। इसमें उनसे जाकिर नाइक को भारत को सौंपने को लेकर सवाल पूछा गया है। इसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री के जवाब ने सबको हैरान कर दिया है। इस जवाब के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जाकिर नाइक को भारत लाया जा सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ होने की बात कही है। दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इस समय भारत में हैं। अनवर इब्राहिम ने दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की एक कार्यक्रम में शिरकत की। अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान अनवर इब्राहिम ने भारत के अल्पसंख्यकों और धार्मिक मुद्दों से जूझने की बात भी कही। अनवर इब्राहिम ने इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण से जुड़े सवाल का जवाब दिया। इसमें पूछा गया कि जाकिर नाइक को क्या भारत को सौंपा जाएगा। वहीं अनवर इब्राहिम ने इस पर कहा कि अगर नाइक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मुहैया कराए जाएंगे तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जाकिर नाइक के मामले में सौंपे जाने वाले सभी साक्ष्यों का स्वागत करेगी। हम आतंकवाद से निपटने को लेकर भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। बता दें कि जाकिर नाइक भारत में भगोड़ा घोषित है। जाकिर नाइक पर भारत में भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। मई 2019 में ईडी ने जाकिर नाइक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर की थी। जाकिर नाइक पर कब कब लगे आरोप। ईडी ने दावा किया था 2003 से 2004 और 2016 से 2017 के बीच जाकिर नाइक को अज्ञात संदिग्ध सोर्सेज से 64 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। इनमें से ज्यादातर फंड का इस्तेमाल पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए हुआ था। एजेंसी ने यह भी बताया था कि 2012 से 2016 के दौरान जाकिर को 49.20 करोड़ रुपए भी मिले थे। ये रकम नाइक के यूएई के बैंक अकाउंट में आई थी। एजेंसी ने अब तक 193 करोड़ की संपत्ति की पहचान कर ली है, जिसमें से 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वहीं जाकिर नाइक पर युवाओं को भड़काने के आरोप भी लगते रहे हैं। अक्टूबर 2017 में एनआईए ने भी चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में एनआईए ने जाकिर नाइक को भड़काऊ भाषण देने और युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया। चार्जशीट में कहा गया था, जाकिर नाइक के वीडियो देखकर युवा प्रभावित हो रहे हैं और उनमें से कुछ आतंकी संगठनों में भी जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जाकिर नाइक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। जाकिर नाइक जुलाई 2016 में उस समय चर्चा में आया जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम ब्लास्ट हुआ। हमलावरों में से एक ने बताया था कि वो जाकिर नाइक के वीडियो से प्रभावित था। ढाका हमले के कुछ महीनों बाद ही जाकिर नाइक भारत छोड़कर भाग गया था। इसके बाद अप्रैल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे पर हुए बम धमाकों के तार भी जाकिर नाइक से जुड़े थे। इन धमाकों में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बहरहाल जाकिर नाइक भारत के लिए मोस्ट वांटेड है। इस समय जाकिर नाइक को भारत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जाकिर नाइक पर लगे संगीन आरोपों की वजह से भारत सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहती है। जाकिर नाइक को भारत को सौंपने को लेकर मलेशिया कितना सहयोग करेगा, इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।